तैयार है, पूरा 10 साल का हिसाब, पूरा 10 साल का प्रधानमंत्री गृहमंत्री अपने कितना काला ब्लैक मनी काला धन सरकारें गिराने के लिए, शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस तोड़ने के लिए, विधायक सांसद को खरीदने के लिए, ये पूरा हिसाब आप लेके आइए, हम भी डिबेट को तैयार हैं। आपने क्या किया क्या नहीं किया पूरा लेखा जोखा हमारे लोग भी देने को तैयार है। महाराष्ट्र में आकर मनोरंजन मत करिए, आप राज्य में आते हमारे और लोगों का मनोरंजन करते, लोग एंजॉय करते हैं लेकिन तालियां नहीं बजाते। ठीक है, आपको पता चलेगा 2024 में क्या है। आपको अभी से पसीना छूट गया है, भागम भाग चल रही है आपकी, छोड़ दो। तो वंचित बहुजन अघाड़ी ने रिटर्न लेटर मांगा है कि अगर एनडीए के साथ नहीं जाएंगे एमबीए। आज बातचीत करेंगे हम, किसी को हमारे कमिटमेंट के बारे में शंका आशंका निर्माण होने की जरूरत नहीं है। हम कमिटमेंट वाले लोग हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट बीजेपी को मदद करना चाहते हैं, इनडायरेक्ट, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी है, बहन जी है, उसके बारे में बोलते, महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों के बारे में ये बात लोग हमेशा बोलते हैं। कुछ लोग आरएसएस का छुपा एजेंडा लेकर काम करते हैं, हम उसके साथ भी लड़ने वाले हैं, हम लड़ेंगे। प्रकाश अम्बेडकर जी महाविकास आघाड़ी के हमारे सदस्य है, सम्माननीय नेता है। आज प्रकाश अम्बेडकर जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हम सब बैठकर वंचित बहुजन आघाड़ी से बातचीत करेंगे। आता बोला लाज तुम्हालाच वाटली पाहिजे बरं का। खरं म्हणजे हा अमित शाह महाराष्ट्रामध्ये येतात आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेचे मनोरंजन करतात, कधी मोदीजी येतात कधी अमित शाह येतात आणि या राज्याच्या जनतेचं मनोरंजन करतात। काय म्हणाले म्हटलं आपण ते परत सांगा मला। तीनशे 370 कलम आपण काढलं आणि त्याला शिवसेनेनं पाठिंबा दिला होता, आम्ही तेव्हा त्यांच्याबरोबर नव्हतो तरी आम्ही त्यांना 370 कलमाच्या बाबतीत पाठिंबा दिला होता। अमित शहानी आपलं स्मरणशक्ती जरा व्यवस्थित करून घेतली पाहिजे। नंबर एक, 370 कलम काश्मीरमध्ये काय दिवे लावलेत ते सांगा। काश्मीरी पंडित आले का? हा, हजारो काश्मीरी पंडित आजही आपल्या राज्यात 370 कलम हटवल्यावर सुद्धा निर्वासिताचं जीवन जगतायत, त्यांचा आक्रोश आपल्या कानापर्यंत जात नाही। तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे, लाज तुम्हाला वाटली पाहिजे, काश्मीरचं नाव घेण्याची तुमची लायकी नाही। आजही रोज 2 किंवा 4 लष्करी जवान आमचे शहीद होत आहेत, 370 कलम हटवून तुम्ही काय केलं, लाज तुम्हाला वाटली पाहिजे। आपण सर्जिकल स्ट्राईकच्या बाबतीमध्ये आपण लोकांशी खोटं बोललेला, अशा प्रकारचा सर्जिकल स्ट्राईक झाला का याच्यावर शंका आताही निर्माण होत आहेत बरं, लाज तुम्हाला वाटली पाहिजे। आजही काश्मीरची जनता, काश्मीरचा तरुण हा बेरोजगार आहे, काश्मीरमधली बेरोजगारी ताबडतोब दूर होईल 370 कलम हटवल्यावर बरं का। काय झालं काही झालं नाही, आजही काश्मीरी मुलं तरुण हे अस्वस्थ आणि अस्थिर आहेत, लाज तुम्हाला वाटली पाहिजे। अखंड हिंदुस्थान करू, पाकव्याप्त काश्मीर आम्ही आणू हिंदुस्थानमध्ये, हे 2014 आपली घोषणा होती, 2019 आपली घोषणा होती। काय केलं तर आपण, लाज तुम्हाला वाटली पाहिजे। पुलवामा 2019 साली ज्या प्रकारे पुलवामा घडलं किंवा घडवलं गेलं निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि जे काही शहीदांचा बाजार मांडलात मतं मागण्यासाठी, हा लाज तुम्हाला वाटली पाहिजे। पुढे बोला।